हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेवन मैंसूरेशन का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो क्या लिखा देखिए कि जो एक्टिविटी है क्या लिखा है कि इन द फिगर सेवन पॉइंट फोर नाइन जो ऑलरेडी पूरा बना हुआ है हम समझने वाले हैं टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड पी तो टू सर्कल्स है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है तो सपोज करिए ऐसा समझा और दूसरा एक सर्कल है पी जिसका सेंटर है आर टचिंग इंटरनली दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं एट पॉइंट ए तो एक सर्कल और है जिसका सेंटर पी है और ये दोनों सर्कल इंटरनली जहां पे टच कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम है ए चलिए फिर इस इसके आगे क्या लिखा है कि बी क्यू इज़ नाइन तो बी क्यू अगर आप देखोगे डायग्राम में तो यहां से यहां तक है बी क्यू इतना जो डिस्टेंस है वो आपको नाइन दिया है और डी ई डी ई इस तरफ दिया है डी और ई e, ये आपको दिया है फाइव तो एक्चुअल में डायग्राम का जो गिवन पार्ट है वो इतना है तो देख लीजिए कि BQ 9 है और DE 5 है और उसके बाद क्या बोला है फिर डायग्राम को देखिए इस तरह कंप्लीट किया है ऐसा समझिए इस तरह पूरा आपका टोटल डायग्राम है आपसे बोला कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स मतलब यहाँ पे दो सर्कल है दोनों का आपका दोनों सर्कल का आपको रेडियस फाइंड आउट करना है एक बड़े सर्कल का रेडियस और एक दोनों छोटे सर्कल का रेडियस जिसको रेडियाई बोला जाएगा तो चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे आ, एक्टिविटी का और समझेंगे तो चलिए फर्स्ट पार्ट हमने इतना लिया है जिसके अंदर आपको ये दो बॉक्स फिल करना है लेकिन आपको समझना ज़रूरी है तो देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा है कि लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल बी आर तो बड़े सर्कल के रेडियस को आर लिया है ये अच्छे से याद रखिए तो बड़े सर्कल के रेडियस को अगर आप देखोगे तो देखिए आपको ऐसा दिखाई देगा बड़े सर्कल का रेडियस है ओ डी ओ बी ओ सी ओ ए तो जितना भी बड़ा सरक सॉरी जितना सॉरी फिर से कि सर्कल जो है बड़ा सर्कल बिगर सर्कल उसके रेडियस को अपन आर आज़ूम करेंगे तो यहाँ पे ओ डी आर रहेगा ओ बी आर रहेगा ओ सी आर रहेगा और ओ ए आर रहेगा जो देखिए यहाँ पे लिख के बताया और यहाँ पे लिखा देखिए ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर द रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल देर फोर ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब आर हो जाएंगे क्योंकि आपने बड़े सर्कल के रेडियस को आर आजूम किया है तो इतना समझिए लेकिन साथ ही में और एक चीज़ बोला है कि एंड दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल इज आर स्मॉल आर और छोटे सर्कल के रेडियस को आपने स्मॉल आर अजूम किया है तो छोटे सर्कल को अगर आप समझोगे तो देखिए ये है छोटा सर्कल जिसमें से दो चीज़ आपको दिख रहा है क्यू पी और ए पी ऐसा समझिए पी क्यू और पी ए इसको आपको स्मॉल आर आजूम करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी क्यू विच इज़ इक्वल टू पी एंड विच इज़ आर तो यहाँ तक इन इतने स्टेटमेंट में आपको ये समझा है कि जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस को जैसे ये लिखा है उसको कैपिटल आर समझेंगे और जो छोटा सर्कल है उसके रेडियस को आप स्मॉल आर समझोगे तो उसके बाद क्या बोला है कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी माइनस बी क्यू अब देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इतना पार्ट जो है ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मतलब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बी क्यू और ओ बी क्यू और ओ जिसमें से बी क्यू नाइन दिया हुआ है अब यहाँ पे ओ क्यू देख रहे हो आप ये ओ क्यू है यहाँ से यहाँ तक तो एक बार ये देखिए कि ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ओ बी इतने बड़े वाले टुकड़े में से या इतने बड़े लेंथ में से अगर आप इतने को हटा दो तो क्या बचेगा इतना बचेगा जिसका नाम ओ क्यू है तो इसका मतलब फिर से आपको बता रहा हूँ कि ओ बी में से बी क्यू देखिए ऐसा समझिए ओ बी में से बी क्यू आप कट कर दो तो आपको ओ क्यू मिलेगा तो यहाँ पे वही लिखा कि ओ क्यू आपको मिलेगा कब जब ओ बी में से OB में से आप क्या करोगे कट कर दोगे BQ को तो यहां पे वही चीज है तो ये चीज आपको समझना है कि OB ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी माइनस बी क्यू तो यहां पे बॉक्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स अब ओ क्यू की अगर बात करोगे आप ओ क्यू चलिए ओ क्यू क्या मिलेगा मैं बता रहा हूं ओ क्यू इज इक्वल टू ओबी माइनस बी क्यू तो OB के प्लेस पे और बी क्यू के प्लेस पे और माइनस देखिए माइनस के प्लेस पे आप माइनस लिखोगे OB के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो तो ओ बी यहाँ पर दिख रहा है देखिए और ओ बी को आपने कैपिटल आर जूम किया है तो इसके जगह पर कैपिटल आर आ जाएगा फिर बी क्यू बी क्यू अगर आप देखोगे फिगर में तो आपको बी क्यू नाइन दिया है तो इसके प्लेस पे नाइन आएगा और इसके प्लेस पे कैपिटल आर आएगा इसका मतलब इस बॉक्स में आर माइनस नाइन आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा आर माइनस नाइन उसी तरह ओ ई -E आपको कैसा मिलता है तो ओ -E, चलिए इसको ओ -E यहाँ पे है तो इसको ले, ले लेते हैं इतना स्टेटमेंट ले इतना डायग्राम ले लेते हैं अब ये ओ ई e कैसा मिलेगा देखिए फिर से आपको बता रहा ओडी आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक है ओ से लेके डी तक यहां से लेके यहां तक है जिसमें से डीई e, इतना आप कम कर दिए तो आपको ओ e मिल रहा है तो फिर से आप देखिए कि अगर ओडी में से डीई e निकाल दू फिर से ओडी में से डीई e निकाल दूँ तो ओ ई e मिलेगा तो ओ ई e मिलेगा जब हम क्या करेंगे ओडी में से डी ई -E को निकाल देंगे तो यही यहाँ पे वही लिखा है कि ओ डी में से डी ई -E को निकाल देंगे तो ओ डी सॉरी फिर से ओ ई इज़ इक्वल टू ओ डी माइनस डी ई तो यहाँ पे लिखा है अब ओ डी के प्लेस पे आप क्या लिखोगे ओ डी पूरा का पूरा ओ डी ओ से लेके डी तक देखिए यहाँ पे है ओ डी आपको यहाँ पे मिल रहा फिर से जैसे ओ बी भी आपको यहाँ पे मिला है और ओ डी भी आपको यहाँ पे मिला है तो ओ डी कैपिटल आर है तो इसके प्लेस पे कैपिटल आर आ जाएगा माइनस डी ई डी ई आपको फाइव दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे फाइव इसका मतलब है कि कैपिटल आर माइनस फाइव तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर माइनस फाइव तो होप कर तो आपको समझा रहेगा अब इसके आगे वाला जो पार्ट है वो ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो इसके आगे का पार्ट जो है वो आपको ये दिया है और इसको भी आपको समझना है पहले फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वो देखना है क्या लिखा देखिए एज द कॉर्ड्स क्यू ए एन ई एफ ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पी सेंटर पी वाला सर्कल कौन सा ये येलो वाला सर्कल है तो पहले तो इतना आप समझिए उसके अंदर के कॉर्ड्स की बात हो रही है जिस जिसमें से एक का नाम क्यू ए है और एक का नाम ई एफ है मैं आपको दिखाऊंगा अभी इन सॉरी फिर से कि एज द कॉर्ड्स क्यू ए एंड ई एफ ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पी इंटरसेक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर ऐसा क्यों बोला जा रहा है क्योंकि अगर आपने सर्कल चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से तो वहाँ पे एक फार्मूला आपको मिलेगा जब दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेकट करते हैं सर्कल के बाहर इंटरसेकट करते हैं वो सारे फॉर्मूले आपको वहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ तक इतना बताए कि दो कॉर्ड सर्कल जिसका सेंटर पी है उसके अंदर इंटरसेक कर रहे हैं सो बाई द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आपको ये मिलता है चलिए जो दो कॉर्ड्स आपको दिखा रहा हो यहाँ पर ये चीज़ देखिए क्यू ए क्यू ए एक कॉर्ड ये है इस सर्कल का जिसका सेंटर पी है और दूसरा कॉर्ड है ई एफ तो दोनों कॉर्ड एक दूसरे को ओ पे इंटरसेकट कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला था देखिए हमने ऐसा पढ़ा था ई ओ इन टू ओ एफ इज इक्वल टू क्यू ओ इन ओ क्यू ऐसा हमने पढ़ा था सर्कल के चैप्टर में मैंने ऐसा पढ़ा था ऐसा करके फिर ऐसा बताया था ऐसा करके ऐसा बताया था या ऐसा समझिए ऐसा करके ऐसा फिर ऐसा करके ऐसा और यहां पे ऐसा बताया देखिए ओ ई और ओ एफ या ऐसा समझिए ओ क्यू इंटू ओ ए ये इंटू ये समझिए या ये इंटू ये समझिए वन एंड द सेम है तो ओ क्यू इंटू ओ ए ओ क्यू इंटू ओ ए इज इक्वल टू ओ ई इंटू ओ एफ ओ ई इंटू ओ एफ ये जो फार्मूला है आपको मिलता है इंटरनल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स तो ये आपको यहाँ से मिल गया तो ये आपको समझना था इसके अंदर फिर अब आपको देखना है कि ये जो इंटू है वो ये है ओ ए ओ ए ये बड़े सर्कल का रेडियस है जो आपने पी, इसके पीछे वाले वीडियो में पीछे वाले पार्ट में देखा रहेगा वो आर था कैपिटल आर तो उसकी जगह पे आर लिखा है तो ओ क्यू की जगह पे क्या लिखा जाएगा ओ क्यू के जगह पे ओ क्यू फिर से आपको बता रहा हूँ कि इक्वल की जगह पे इक्वल है ओ ए के प्लेस पे आर है या क्यू ओ ए प्लेस पे आर है और क्यू ओ क्यू के या क्या आएगा ओ क्यू के प्लेस पे तो इसके पहले जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताता तो, हूँ आपको ओ क्यू और ओ ए दिखना है ओ ए की जगह पे आप आर लिखोगे और ओ क्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे तो यहाँ पे देखिए कि आप ओ ए के प्लेस पे आर लिखोगे जो वहां पे ऑलरेडी लिखा है ओ क्यू यहां पर देखिए तो ओ क्यू के प्लेस पे आप लिखोगे आर माइनस नाइन तो यहां पे ओ क्यू के प्लेस पे आ जाएगा आर माइनस नाइन और ओ ए के प्लेस पे आर है ओ ई और ओ एफ ओ ई और ओ एफ इसके प्लेस पे आपको क्या लिखना है तो ध्यान से देखिए आपको ओ ई के प्लेस पे क्या लिखना है तो देखिए यहां पे हमने लिखा था ओई के प्लेस पे आपको लिखना है आर माइनस फाइव तो ओ ई के प्लेस पे आप आर माइनस फाइव लिखोगे तो ओ के प्लेस पे हम लिखेंगे आर माइनस फाइव इंटू ओ ओफ के जगह पे क्या लिखोगे ओ एफ तो आपने देखा नहीं लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या दिया देखिए कि सिंस ओ ई और ओ एफ इक्वल है तो अगर ओ ई और ओ एफ इक्वल है तो ओ ई के प्लेस पे अगर आपने आर माइनस फाइव लिखा है तो ओ एफ के प्लेस में भी क्या आ जाएगा आर माइनस फाइव तो डायग्राम से आपको इक्वल मिलेगा आपको रीज़न या फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं यहाँ पे अगर आपको दिया है कि ओ ई और ओ एफ इक्वल है आप समझ जाइए कि अगर ओ के प्लेस पर आपने पीछे से लिखा है तो ओ के प्लेस पर भी आर माइनस आ जाएगा अब उसके बाद देखिए ये इक्वल का साइन यहां पे है तो ये जो चीज है ये R को R से मल्टीप्लाई किया है तो आर माइनस लिखा है और फिर आर को नाइन से मल्टीप्लाई किया तो नाइन आर हो गया है और ये जो इतना आप देख रहे हो ये आर माइनस फाइव को आर माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया है जैसे चलिए देखिए लिख देते हैं आर माइनस फाइव ए माइनस बी द होल स्क् फॉर्मूला है अगर आपको नहीं समझेगा तो मैं ऐसा बता रहा हूँ आर इंटू आर आपको मिलेगा आर का स्क्वायर आर इंटू माइनस फाइव आपको मिलेगा फाइन माइनस फाइव आर फर्स्ट वाले को दोनों से मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव इंटू आर आपको मिलेगा माइनस फाइव आर फिर माइनस इंटू माइनस आपको मिलता है प्लस फाइव आइज़ आपको मिलता है ट्वेंटी फाइव फिर आर का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस फाइव आर और माइनस फाइव आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस टेन आर हो जाएगा और फिर प्लस ये ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव ऐसे रहेगा तो आर स्क्वायर माइनस टेन आर प्लस ट्वेंटी फाइव आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो आर स्क्वायर है ये प्लस में है और ये जो आर स्क्वायर ये भी प्लस में है जब इक्वल के वो साइड में जाएगा तो ये आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा जिसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद देखिए इक्वल के इस तरफ है माइनस नाइन आर माइनस नाइन आर इक्वल के इस तरफ है और इक्वल के राइट साइड में माइनस टेन आर है जो जब जो इस तरफ जाएगा इक्वल के लेफ्ट साइड में जब आएगा तो माइनस टेन आर आप बन जाएगा प्लस टेन आर और इस तरफ बचता है ट्वेंटी फाइव तो प्लस और माइनस माइनस होता है टेन आर में से नाइन आर आप निकालोगे तो वन आर बचेगा जिसको आप कैपिट सिर्फ आर लिख सकते हो जिसका साइन क्या है प्लस तो आपको प्लस आर लिखना है और विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो इसका मतलब है कि आर का वैल्यू आपको मिल जाता है ट्वेंटी फाइव तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्वेंटी फाइव और सिंस यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है तो आप लिख दीजिए यूनिट्स नहीं लिख पाओगे चलेगा क्योंकि यहाँ पे भी नहीं दिया लेकिन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स तो चलिए अब इसके आगे का जो पार्ट है वो देखते हैं तो इसके आगे का जो पार्ट है बस इतना और बचा है देखिए इसके पहले आपने एक मिनट इसके पहले आपने कैपिटल आर निकाला है मतलब बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो आपने निकाल दिया वो है ट्वेंटी फाइव यूनिट्स और सीधी सी बात है आपको दोनों सर्कल का रेडियस निकालना था तो इसका मतलब छोटे सर्कल का रेडियस का नंबर आया है तो चल चलिए वही कर लेते हैं तो ये छोटा सर्कल का रेडियस जिसको आपने स्मॉल आर जूम किया था उसका वैल्यू कैसे मिलेगा आपको यही समझना है तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि ए क्यू इज इक्वल टू टू आर पहले तो इतना समझिए कि ए क्यू इज इक्वल टू टू आर तो अब ए क्यू कहाँ पर ए क्यू देखिए यहाँ पे ए क्यू और इक्वल टू टू आर क्यू बोला है क्योंकि आपने छोटे वाले सर्कल के रेडियस को आर जूम किया था तो ये भी आर है और ये भी आर है तो ए से लेके क्यू तक टू टाइम आर हो जाएगा दो रेडियस हो जाएगा और इसीलिए लिखा है कि ए क्यू विच इज़ इक्वल टू टू आर तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ लेना है उसके बाद आके आगे क्या लिखा है विच इज इक्वल टू या देखिए ऐसा समझिए कि ए क्यू का मतलब है टू आर और ए क्यू का एक मतलब और है क्या ए बी माइनस बी क्यू तो वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ए क्यू ए क्यू देखिए ए यहाँ पे है क्यू यहाँ पे है बी यहाँ पे ए क्यू और बी जिसमें से बी क्यू नाइन है तो ये जो ए क्यू है ए से लेके कर क्यू तक आपको कैसे मिलेगा या ऐसा समझिए ए बी ए बी में से आप माइनस करिए या हटा दीजिए किसको बी क्यू को बी क्यू को आप हटा दीजिए क्या बचा आपके पास ए क्यू बचा तो ए क्यू मिलेगा आपको कैसे ए बी में से बी क्यू आप माइनस करोगे और ए क्यू का मतलब टू आर भी होता है तो थर्ड स्टेप में हो क्या रहा स्टूडेंट्स कि ए क्यू के प्लेस पे टू आर लिख दिया है और देखिए ये ए क्यू आप ऐसा समझिए ये लीजिए और ये लीजिए और ए क्यू आपने बता दिया कि टू आर है तो ए क्यू के प्लेस पे आपने टू आर लिखा फिर ये इक्वल का साइन है या ये इक्वल का साइन है ऐसा समझिए और ए बी के प्लेस पे फिफ्टी और माइनस के प्लेस पे माइनस और बी क्यू के प्लेस पे नाइन अब ये कैसे आया वो आपको समझना है तो देखिए ए बी जो है ए से लेके बी तक वो बड़े सर्कल का डायमीटर है और बड़े सर्कल का रेडियस अभी आपने इसके पहले निकाला है ट्वेंटी फाइव तो अगर बड़े सर्कल का रेडियस 25 है तो बड़े सर्कल का जो पूरा डायमीटर रहेगा वो 50 हो जाएगा तो यहां पे डायरेक्टली ए बी के प्लेस पे 50 लिखा है माइनस के प्लेस पे माइनस है बी क्यू आप जानते हो दिया है नाइन तो बी क्यू के प्लेस पे नाइन लिखा 50 में से नाइन माइनस किया फोर्टी हुआ मतलब टू आर इज इक्वल टू फोर्टी तो इफ टू आर इज इक्वल टू फोर्टी तो आर इज आर इक्वल्स टू क्या क्योंकि यहां पे आर इक्वल्स टू डैश दिया है तो आर इक्वल्स टू ये फोर्टी और ये टू यहाँ आएगा अपॉन टू तो आर के प्लेस पे या आर के इस बॉक्स पे आपको लिखना पड़ेगा फोर्टी वन अपॉन्ट टू फिर विच इज इक्वल टू डैश तो फोर्टी वन को टू से आप डिवाइड करिए मतलब फोर्टी वन का हाफ फोर्टी का हाफ ट्वेंटी है वन का हाफ पॉइंट फाइव रहेगा तो ट्वेंटी पॉइंट फाइव मिलेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्वेंटी ट्वेंटी पॉइंट फाइव यूनिट्स तो यहाँ पे ये यह समझ रहे हैं कि छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो ट्वेंटी पॉइंट फाइव है और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो ट्वेंटी फाइव है और आपसे यही दोनों चीज़ पूछा था तो चलिए फिर यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है और प्रॉब्लम सेट भी यहाँ पे चैप्टर नंबर सेवन मेंसुरेशन का ख़त्म होता है प्लीज़ कमेंट्स करिए क्या चीज़ आपको और चाहिए मैं कोशिश करते रहूँगा स्टूडेंट्स चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच